आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने बाढ़ प्रबंधन और जन जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों के जिलाधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। कहा, बाढ़, अतिवृष्टि, नदियों के जलस्तर की स्थिति पर रखी जाए सतत नजर। प्रभावित जिलों में NDRF, SDRF, PAC तथा आपदा प्रबंधन टीमों को रखें 24/7 एक्टिव मोड में। प्रभावित परिवारों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए हर जरूरी मदद। हरपुर बुधहट व सिकरीगंज पुलिस की संयुक्त टीम की मुठभेड़ में गोली लगने से एक साथ लुटेरा हुआ घायल। जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 25 जून की लूट की घटना में था शामिल। SSP ने मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम को 25,000 का दिया इनाम। बुधवार को हुआ झमाझम बारिश। पहले ही बारिश में शहर में कई जगहों पर हुआ जल जमाव। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, 110.8 मिलीमीटर हुई है बारिश। शहर के कुछ हिस्सों में हुई जल जमाव की समस्या। नगर निगम की सक्रियता से 3 से 4 घंटे में सभी जगह से निकाला गया पानी। अब नहीं है जल जमाव की समस्या। आजमगढ़ बस्ती एवं गोरखपुर की मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। 6 प्रगतिशील कृषकों को प्रमाण पत्र देकर किया गया पुरस्कृत सम्मानित। कहा, आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाकर कृषक बढ़ाएं अपने उत्पादन एवं उत्पादकता। आजमगढ़ के नव निर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार पहुंचे गोरखपुर। किया गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन पूजन। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया निरहुआ का जोरदार स्वागत। कहा, जिस उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं, एक छोटा सा सिपाही बनकर मैं भी खड़ा रहूंगा उनके साथ। एक जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित बैठक जिलाधिकारी कृष्णा करुणेस की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। कहा, अभियानों के 100% सफलता सुनिश्चित करने हेतु माइक्रो प्लान के अनुरूप करें कार्यवाही। कोविड के मरीजों की संख्या में हुई मामूली वृद्धि। कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 114। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, कोविड का टीका ही है सुरक्षा कवच, सभी लोग लगवा लें कोविड का टीका। उदयपुर की घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में जिहादी आतंकवाद का किया गया पुतला दहन। कहा, गिरफ्तार हुए लोगों को दी जाए जल्द से जल्द फांसी की सजा। और जनपद में बुधवार को सुबह से ही मानसून ने दी जोरदार दस्तक। शहर से लेकर देहात के इलाकों में हुई झमाझम बारिश। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, आ गया है मानसून। 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर हुई बारिश। किया अपील, दामिनी ऐप को सभी लोग अपने मोबाइल में करें डाउनलोड। ऐप को ओपन करने से पता चल जाएगा कि बिजली गिरने का खतरा है या नहीं।